देखो इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है, तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14000 है, वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार जो इनने किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है, तो 600 प्लस के बच्चे 5000 होंगे, तो 5000 रैंक कम, अब 14000 जो रैंक है वो 13950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3000 है तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए, पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में FIR हुई है, गुजरात में भी FIR हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे OMR टीचर्स भर रहे थे। तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल देगी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आज शायद डिसीजन आया तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। 15000 का या 16000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता, जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 times इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो इस पे हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो NTA ने किया है, अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। हम जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में आपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है, तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रिटेस्ट देंगे, इससे क्या साबित होता है NTA के द्वारा कि NTA टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7000 रैंक बन रही थी, इस साल मेरी रैंक 29000 है, अब 29000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था, 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ मैं। यस मैम, पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि बिहार के बिहार में पटना में उनके FIR में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे, वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है, वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं मेरे जैसे ऐसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था, तो NTA इसको क्यों नहीं देखती कि वहाँ पे जाए इन्वेस्टिगेट करे, CCTV फुटेज देखे, NTA साफ साफ बोल देती नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है।